नमस्कार, ठीक बात सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राहुल शर्मा। ये सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, सैन धर्मशाला। ये सैन धर्मशाला सरारपुर रोड पर, सैन धर्मशाला में कुछ विवाद हो चुका है जी हाँ, प्रधान को लेकर। यहाँ पर रजिस्टर आर जो है सुमन वेवेजा जी के पास यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैन धर्मशाला के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं नवे प्रधान को लेकर जी हाँ, पवन नाम क्या है, पवन कुमार को लेकर यहाँ पर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हो चुका है जी हाँ। नवे प्रधान को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैन धर्मशाला के जो है पूर्व प्रधान यहाँ पर भी मौजूद है सर, रतन चंद जी। तो रतन जी क्या कहना चाहेंगे, क्या विवाद है, क्या मामला है पूरा बता दें। ये जो कमेटी बनी थी ये रजिस्ट्रार ने सस्पेंड कर रखी है, उसका कार्यकाल पूरा हो लिया। तो अगे समाचार्य भी इलेक्शन होए टेम पे, प्रधान जी ने इसके बारे में अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया धर्मशाला के चक्कर में भी इलेक्शन करवाने के, उसमें कोई भी वो नहीं दिया अभी। ये जो कमेटी नई बनाई गई थी, कमेटी नई बनाने के बाद इसमें विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद था यहाँ पर पैसे के दुरुपयोग का। पैसे के दुरुपयोग के कारण यहाँ पर एक सेक्शन 52 के अंडर दरखास्त दी गई थी, जिसकी जांच जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई। जांच करने उपरांत प्रधान को जो है ना उसमें दोषी पाया गया। 27/4/2021 को प्रधान को निलंबित करके कमेटी भंग कर दी गई और नई एडहॉक कमेटी बना दी गई। परंतु इस प्रधान द्वारा उस एडहॉक कमेटी को कोई चार्ज नहीं दिया गया। चार्ज देने के ना कारण इसने जो है ना हाई कोर्ट की एक PIL साथ लगा करके वहां पर भेज दी गई और अफवाह डाल दी कि मैंने स्टे ले लिया, जबकि वो स्टे नहीं होता। इसके पश्चात जो उसने जवाब दिया उस जवाब से भी स्पष्ट होता है कि वाकई में इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ था। समाज की जो गाड़ियां हैं, गाड़ी मेन प्रॉब्लम गाड़ी से क्रिएट हुई थी। 3 गाड़ियां खरीद ली, तीसरी गाड़ी जो इन्होंने 10 लाख की खरीदी है वो नजायज खरीदी थी, उसी के कारण इसमें यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अभी वो गाड़ी अपनी मनमानी से अपनी ऐशो आराम के कारण जो है ना वो गाड़ी चला रहे हैं। उस गाड़ी के बारे में भी हमने बार बार यही कहा वो गाड़ी बंद की जाए, परंतु आज तक उसने गाड़ी भी बंद नहीं की। और रही इलेक्शन की बात, 6/9 को हमारी कार्यकारिणी का समाप्त हो जाता है समय। हम ये चाहते हैं रजिस्ट्रार महोदय से हमने रिक्वेस्ट करी है कि 6/9 को हमारी कार्यकारिणी का गठन किया जाए दूसरी का, ताकि वो आगे इसको कार्य को सुचारू रूप से कर सके। तो आप देख सकते हैं पैसे के दुरुपयोग को लेकर यहाँ पर रजिस्ट्रार सुमन वेवेजा जी के पास यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें जी, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहेगा जी हाँ। सैन धर्मशाला के जी हाँ, सैन धर्मशाला के जो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व प्रधान रतन सिंह जी के साथ आप देख सकते हैं पवन कुमार के खिलाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव। तो हम अंदर जाके सुमन वेवेजा जो रजिस्टर आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। सीधी लाइव हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं यहाँ पर, ये सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जो करते रहिएगा। यहाँ सुमन वेवेजा जो हैं यहाँ के जो रजिस्टर आर हैं, तो क्या है पूरा मामला जी हाँ। नमस्कार मैम, सीधा लाइव जुड़ चुके हैं आप स्पीक बात न्यूज पर। तो मैम, ये सैन धर्मशाला के जो लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं पूर्व प्रधान पवन कुमार के खिलाफ जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सर मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में एक रिव्यू एप्लीकेशन आई हुई है, उसके लिए हमने पहले ही डेट दी हुई है 9/9/2021 को उसकी सुनवाई होनी है। तो उस सुनवाई के दौरान ही डिसीजन लिया जाएगा। मैम, पैसे का जो लोग आरोप लगा रहे हैं दुरुपयोग किया जा रहा है, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, हाँ उसके बारे में तो मैं पहले फैसला दे चुकी हूँ कि जो भी दुरुपयोग किया है अगर पवन कुमार उसमें दोषी है तो वो उसका भुगतान करेगा, वो तो मैं फैसला पहले ही दे चुकी हूँ। लेकिन ये महामारी आने की वजह से फिर सुनवाई नहीं हो पाई, हाईकोर्ट के आदेश थे इसलिए सुनवाई हो नहीं पाई। अब 9 तारीख लगी हुई है, 9 तारीख को सुनवाई होगी बकायदा और सुनवाई के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा जो भी। तो आप देख सकते हैं सुमन वेवेजा जी ने कहा है 9 तारीख लगी हुई है जी हाँ, 9 तारीख लगी हुई है। तो मैडम ने कहा है 9 तारीख लगी हुई है, 9 तारीख को जैसे ही कोरोना काल की महामारी के कारण जो है वो डिले हो चुका था, तो इसलिए 9 तारीख लगी हुई है जी हाँ। प्रधान जी 9 तारीख लगी हुई है, मैडम ने कहा है 9 तारीख लगी हुई है जी, 9 तारीख लगी हुई है और 9 तारीख को जैसे ही उसके बाद जो फैसला आएगा तो फैसला जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे मैडम ने कहा 9 तारीख लगी हुई, क्या कहेंगे? 9/8/9 ऐसा सर, अब तो कहना चाह रहे हैं पैसे का दुरुपयोग। 9 तारीख मैडम कह रहे हैं 9 तारीख लगी हुई है जी, हाँ जी 9 तारीख लगी है। 9 तारीख पहले से भी हम इससे पहले भी यही रिक्वेस्ट करेंगे गाड़ी बंद की जाए,
गाड़ी का दुरुपयोग जो हो रहा है ना वो कम किया। जो भी मैडम कह रहे हैं जो भी डिसीजन होगा 9 तारीख के बाद ही लिया जाएगा। ठीक है जी, हमने मैडम की बात से संतुष्टि, ऐसी बात नहीं, हमें विश्वास भी है मैडम की बात पे, और यही रिक्वेस्ट है हमने वहाँ पर करी है कि मैडम बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के इस समाज को निर्णय देंगी। तो आप देख सकते हैं सैन समाज के लोग यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से मैडम सुमन बेवेजा की उनके जो बयान से संतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीर है जी, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। सैन धर्मशाला के लोग यहाँ पैसे के दुरुपयोग को लेकर रजिस्ट्रार मैडम सुमन बेवेजा के पास यहाँ पर पहुंचे हैं, शिकायत लेकर। जी हाँ, 9 तारीख लगी हुई है, 9 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा उस पर फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, गाड़ियां खरीदी जा रही है। सैन धर्मशाला के जो पूर्व प्रधान यहाँ पर रतन सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैन धर्मशाला की पूरी पंचायत जो है यहाँ पर मेंबरशिप यहाँ पर आप देख सकते हैं पवन कुमार के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। हमारी सीधी लाइव तस्वीर है जी हाँ, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ।